पूरा दुकान डूब गया गंगा नदी में, ऐसा ही माहौल है भाई। मैं कह रहा था ना जितना दुकान है सारा डूब जाएगा गंगा नदी में, आज डूब ही गया। देखिए यहाँ पर नदी में क्या कर रहे हैं भाई, इधर से ही आ रहे हैं। अरे जय गंगा मैया, जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा अजगैवीनाथ। अभी हमें सुल्तान का अजगैवीनाथ घाट में पूरा जो है नज़ारा दिखा रहे हैं एक बार फिर से आपसे बिको, लेकिन इस बार जो है ब्रिज के ऊपर से चल के दिखाएंगे। देखते हैं इस प्रकार जो है गंगा घाट का नज़ारा किस प्रकार है, किधर किधर जो है खाली दिखाते थे उधर उधर कितना पानी है। तो लगातार जो है वीडियो में बने रहिए और आप सभी तक सारा अपडेट पहुँचेगा। जैसे पूरा जो है धर्मशाला देख रहे हैं ना, यहाँ पर पीछे चकाचक हो चुका है ना, यहाँ पर जो है आप सभी को रुकने ठहरने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। पीछे देख रहे हैं यहाँ पर, इधर से गंगा घाट का नज़ारा, पीछे से देख रहे हैं पूरा सूर्य दिख रहा है ना, वहाँ तक जो है अजगैवीनाथ मंदिर तक जाने का ये ब्रिज है और यहाँ से ही शुरुआती रास्ता है। तो चलिए दिखाते हैं आप सबको, लेकर के चलते हैं। वीडियो को करिए शेयर। पूरा अजगैवीनाथ गंगा घाट जो है और अजगैवीनाथ मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा डूब रहा है पानी में, क्योंकि दोस्तों मंदिर जब पानी के चारों तरफ रहता है ना तो काफ़ी ज़्यादा भव्य दिखता है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, यही वाला ब्रिज है और इधर भी घाट है, इधर भी सीढ़ी बनी हुई है। और देख रहे हैं जो हम दिखाते थे सूखा हुआ पहले, ज़्यादा नहीं एक सप्ताह पहले ही दिखाते थे, और अभी देखिए चारों तरफ डूब चुका है ना। कॉलोनी के किनारे किनारे, मोहल्ले के किनारे किनारे पानी आ चुका है जल स्तर बढ़ने से। कांवरिया भक्त देख रहे हैं यहाँ पर जो है अजगैवीनाथ मंदिर जाने वाला ब्रिज के ऊपर है और इधर से दिखाते हैं। भैया ये देखिए ना क्या लुक है, बदल गया ना गंगा घाट, अजगैवीनाथ घाट। देखिए यहाँ पर नदी में क्या कर रहे हैं भाई, इधर से ही आ रहे हैं। अभी इतना ही पानी है, मतलब चल सकते हैं, जब बढ़ेगा तो पूरा आप डूब जाओगे, इतना पानी बढ़ जाता है यहाँ तक सीढ़ी तक जब पानी आता है। तो पूरा देख रहे हैं डूबा हुआ दिख रहा है ना, डूब गया सारा दुकान, सुल्तानगंज का सारा दुकान ये देख रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं ना, पूरा डूब गया दोस्तों। ये जितना छोटा छोटा दुकान था सारा डूब गया गंगा नदी में, बिल्कुल वैसा ही सीन है। देख रहे हैं चारों तरफ पानी आ गया, ये सारा जो है देख रहे हैं बांस वांस निकाल के लेके जा रहे हैं किनारे की ओर। थोड़ा सा चलते हैं आगे बढ़कर, देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा जो है बैठे हैं कांवरिया भक्त, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद देख रहे हैं बीचों बीच में आ गए हैं, थोड़ा सा चढ़ाई को पार करना पड़ेगा। जहाँ तक देख रहे हैं वो आ रहे हैं, वहाँ तक ब्रिज का बीच वाला पॉइंट है, दोनों तरफ ढलान है वहाँ से। और यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से देखिए इधर थोड़ा दिखाते हैं, ये देखिए मोहल्ले का नज़ारा भाई, इसकी बात कर रहे थे। पूरा देख रहे हैं ये डूबा हुआ है ना अजगैवीनाथ मंदिर, देखिए यहाँ से कैसा दिख रहा है, पूरा डूबा हुआ दिख रहा है। और चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे चलकर दिखाते हैं वहाँ से जो पूरा इधर का नज़ारा कैसा दिखता है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में चलेंगे ना तो बीच का माहौल कुछ अलग देखने को मिलेगा। और लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रिज के ऊपर से ही चलकर दिखाते हैं। लाइट देख रहे हैं लगी हुई है ना, रात में पूरा चमकता है ये ब्रिज, पूरा जो है ना चकाचक लाइटों से भाई। और अजगैवीनाथ मंदिर के देख रहे हैं वहाँ पर चलने लगा ना फ़ोटोशूट, ये दिखाते हैं अब जो है ना वहाँ का फ़ोटोशूट भी जो है ना गजब दिखेगा। ये वाला देखिए, ये देखिए चल रहा है ना, पूरा जो है ना गजब का लगेगा, क्योंकि चारों तरफ पानी दिखेगा ना, लगेगा एक आइलैंड जैसा मंदिर बन जाता है भाई, बिल्कुल खूबसूरत माहौल बन जाता है। और इधर का देखिए, यहाँ पर पहुँच चुके ना बीचों बीच में, बिल्कुल देख रहे हैं पूरा दुकान डूब गया गंगा में, ऐसा माहौल है। देखिए पूरा दुकान डूब गया गंगा नदी में, ऐसा ही माहौल है भाई। मैं कह रहा था ना जितना दुकान है सारा डूब जाएगा गंगा नदी में, आज डूब ही गया, पूरा माहौल ही देख रहे हैं पूरा। वहाँ से हम चलकर आ रहे हैं आप सभी को दिखाते हुए आ रहे हैं पूरा नदी का नज़ारा ऊपर से दिखाते हुए, पूरा देख रहे हैं माहौल ही बदल गया। जितना देख रहे हैं ना मिट्टी का बोरा भर भर के रखा ना घाट के किनारे किनारे लगा रहा था, अब तो डूब ही गया, अब लगाने का क्या ज़रूरत, कैसे लगाएगा भी। देख रहे हैं यहाँ पर भर भर के रखा जा रहा था, पूरा नज़ारा ही बदल गया। देख रहे हैं आखिरी टाइम यहाँ पर मंदिर के किनारे पहुँचने के बाद किस प्रकार, देख रहे हैं ना काफ़ी खूबसूरत मंदिर भी चमक रहा है ना, लाइट बिल्कुल जो है आ चुकी है, क्योंकि कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का होता है। और पूरा नदी देख रहे हैं, इसी जगह पर सेल्फी पॉइंट है ना, मैं जैसे कह रहा था वहाँ पर पूरा देख रहे हैं यहाँ तक, देख रहे हैं किस प्रकार नज़ारा है, इधर से देखिए पूरा ऐसा ही काफ़ी बदला बदला दिख रहा है ना, पानी होता है तो बिल्कुल अद्भुत लगता है, पूरा नदी का नज़ारा ही कुछ अलग हो गया है और अजगैवीनाथ का। और इधर से दिखाते हैं यहाँ पर जो है ना ये वाला देखिए, यहाँ से कह रहे थे इधर देख रहे हैं सूखा है ना, थोड़ा थोड़ा सूखा है क्योंकि यहाँ तक भी पानी आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ तक आ चुका है ये किनारे तक, ये देखिए। और बीच में उधर तो पानी है, ये चारों तरफ घूम चुका है, बस ये थोड़ा सा बचा है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊँचा है, ये भी डूब जाएगा अगर थोड़ा सा भी अगर लेयर बढ़ा तो जल का। और इधर का ये ध्वज ही काफ़ी भव्य लगेगा यहाँ से, क्योंकि इस बार कुछ नया है तो अजगैवीनाथ में यही एक ध्वज है, काफ़ी भव्य दिखता है और काफ़ी ऊंचा भी है। पूरा देख रहे हैं यहाँ तक का नज़ारा काफ़ी है, ब्रिज का नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी गजब का दिख रहा है। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। आप सभी को, आप सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय गंगा मैया।
अजगे भी नाथ गंगा घाट से।